अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, खालसा राज फुटस्टेप्स नूं लै के एक बार फिर मैं दोबारा पहुँच गया वहाँ लाहौर के अंदर। लाहौर दे मैं पहुँचा वहाँ मेन GT रोड के उत्ते जो लाहौर तो दिल्ली जा रहा है उस दे उत्ते मैं खलोता हाँ। और मेरे नाल इस वेले मौजूद ने मैं इस वेले मौजूद हाँ स्टोन जिहड़ा लगा होया है भाई बुद्धू का आवा और रेजिडेंस ऑफ जनरल एविटेबल। जनरल एविटेबल जिहड़ा कि महाराजा रणजीत सिंह का बहुत ही करीबी एक जनरल सी और बड़ा काबिल जनरल सी। जनरल हरि सिंह नलवा तो बाद जिहड़ा जनरल एविटेबल का नाम लिता जाता है कि जनरल एविटेबल की फतूहत जिहड़ियां ने जनरल हरि सिंह नलवा तो बाद बहुत ज़्यादा मनिया जांदियां ने। आज मेरे नाल मेरे तकरीबन ज़्यादा दोस्त इस वेले मौजूद ने, ग्रुप मैंबर मौजूद ने जिन्हें मैं इनवाइट किया सी और साढ़े नाल आज बहुत स्पैशल किस्म के गैसट भी मौजूद ने, सीनियर गैसट मौजूद ने, मैं उन्हों का भी तारफ करवाना चलाँगा नाल। लेकिन सब तो पहले असी गल करांगे जनरल एविटेबल की रेजिडेंस के मुतलिक कि एटलीस्ट जनरल एविटेबल की रेजिडेंस गई तो गई कि ए पिछे बनी हुई ने रेलवे वर्कशॉप्स। रेलवे वर्कशॉप्स जिस वे बनी तो उन्होंने मुगल इरादा तमाम चीज़ा जड़ियाँ डिमोलिश कर दी रात में आदि हैं क्योंकि एशिया की सब तो वड्डी वर्कशॉप्स जड़ियाँ सन और लाहौर के अंदर सन। यह जगह जी एरिए तो नज़र आ रहा है यह ओल्ड एंशियंट GT रोड नहीं है। एंशियंट GT रोड अभी बैक साइड से आंदा है और यह जगह वो जी मैं तुम्हें दसिया सिख नैशनल कॉलेज की है। सिख नैशनल कॉलेज जड़ा है वो एक पंजवीं पातशाही का बहुत बड़ा गुरद्वारा होंदा सी, उसकी याद के जोड़ा दोबारा गुरद्वारा भी तैयार किया गया। मैं पहले वो गुरुद्वारे के मतलब जिक्र भी कर चुका और वीडियो भी मैं दिखा चुका। मैंबर्स मेरे नाल पाकिस्तान हैरीटेज क्लब के मौजूद ने, प्लीज़ सैयद फारूक खुरासानी जनरल एविटेबल ने रिप्लेस किया था हरि सिंह नलवा को जब किला जमरोद पे लड़ाई हुई है ना, उसके बाद एविटेबल ने उसको रिप्लेस किया। सर गुड नेम जावेद इकबाल जी, हमारे मेहमान खसूसी कह लें आज के जो हैं वो मौजूद हैं इस जगह पे, DG पैमरा भी हैं, अहमद हसन वाली शराय और द साइट ऑफ बुद्धू कावा एंड द हाउस ऑफ जनरल एविटेबल मकसूद अहमद। ये है पाकिस्तान, दैट्स ग्रेट। कश्मीर तुर्की शालीमार बाग, शालीमार गार्डन, दोबारा बोलो भाई। गल हो रही सी कि साढ़े जेडे चीफ गेस्ट ने उन्होंने इस वेले दसिया कि भी ये रिप्लेस होए सन। उही गल है कि जो मैं कह रहा वहाँ एविटेबल सैकेंड ट्रस्टेबल परसन फॉर महाराजा रणजीत सिंह अनोवेयंस जड़िया ने पंजाब के अंदर स्पेशली अगर तुम मुसलमान पुरज से जाते हो मुसलमान पुरज के जड़े रेजिडेंस ऑफ जनरल एविटेबल हाले तक मौजूद है और उस गेट के तो बेस्ट वाले गेट के उत्ते ही मौजूद है जोड़ा कि हमलावर जिन्हें भी सन वो आ रहे सन किस साइड तो मगरब वाली साइड तो या नॉर्थ वाली साइड तो आते सन। फिर तुम पिशावर चले जाओ, पिशावर अगर तुम जाते हो तो फिर तुम जाके गोर हटरी का जोड़ा कि सिटी वाले पास बड़ा गेट खुलता है, अगर उस गेट के टॉप के उत्ते देखो तो उत्ते भी रेजिडेंस ऑफ जनरल एविटेबल और जनरल अवितबिले के नाम तो जनरल अवितबिले स्टोरीज तो वैसे काफ़ी जड़िया ने इन्हों के मुतलक मौजूद ने। बड़े रिजिड किस्म के सी, बड़ा सख्त किस्म का आदमी सी, सजा देने का तरीका सी कि मस्जिद मुहब्बत खान के उत्तों की जाके मीनार के उत्तों जिंदा बंदे थले सुट दिता सी और बंदे की डैथ हो जाती थी। ये सब तो उस वे संगीन सजा दी जाती थी जिन्होंने कि फांसी तो भी ज़्यादा खतरनाक समझा जाता। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी और तुम देख रहे हो हैरीटेज ऑफ पाकिस्तान की हैरीटेज क्लब ऑफ पाकिस्तान हैरीटेज क्लब वालों एक फोटो वॉक है, छोटा जहा एक मिशन लैके असं निकले हाँ। और ये जनरल गल करते हैं ये दसो कि जनरल एविटेबल ये भी कंट्रीब्यूशन है कि जो गोरिया ने अटैक किया अफगानिस्तान के हदूद के उत्ते तो एविटेबल क्योंकि सिख एम्पायर उदो बहुत वीक हो चुकी थी एंड ही वॉज स्टिल देयर ओवर इन पिशावर और इन उस वक्त
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਦੈਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲੱਬ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋ।